एजुकेटेड आकृति सेठ एक बार फिर आई हूँ आपके सामने मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाने। जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग मेंस आंसर राइटिंग के ऊपर आईपीसी और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को उठाएंगे एंड उनके क्वेश्चंस के एक सैंपल आंसर्स या फिर आप कह सकते हैं मॉडल आंसर्स तैयार करेंगे। इसके दौरान मैं आपके साथ क्या करूंगी, मैं जो भी क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट की बात हो रही है वो कॉन्सेप्ट की चर्चा आपके साथ करूंगी, उसका एक क्विक रिवीजन आपके साथ करूंगी और उसके बाद हम वो सैंपल आंसर या फिर मॉडल आंसर लिखेंगे। अब होता क्या है स्टूडेंट्स, ये जो आईपीसी या फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या फिर कॉन्स्टिट्यूशन, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, कोई भी सब्जेक्ट उठा लें आप, जब हम बात करते हैं मेंस के आंसर राइटिंग की तो ये जो चीज होती है ये होती है बहुत ही सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब है इसका आंसर एक तरीके से भी लिखा जा सकता है, दो तरीके से भी लिखे जा सकते हैं और तीसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हमारा इंसान बदलता है उसकी अपनी बात कहने की तरीका बदलता है। कम्युनिकेशन क्या होता है, एक स्किल होता है, हर एक बंदा अपने मन की बात शेयर करता है। कोई इंसान किसी तरीके से बोलता है, कोई दूसरा इंसान किसी और तरीके से बोलता है। सिमिलरली मेंस की जब हम आंसर राइटिंग की बात करते हैं तो ये जो आंसर लिखने का तरीका है मेरा अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि इस सीरीज के माध्यम से हम आपके लिए लॉ वाला के चैनल पर एक मॉडल आंसर लेके आ रहे हैं। जैसे हम लोगों ने स्ट्रक्चर डिस्कस किया था पिछले सेशन में कि जो मेंस आंसर राइटिंग होती है उनका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए, वहां पे आपका इंट्रोडक्शन आना चाहिए, इंट्रोडक्शन के बाद मेन बॉडी आनी चाहिए और उसके बाद कंक्लूजन आना चाहिए। तो इसी स्ट्रक्चर को, इसी फ्रेमवर्क को मद्देनजर रखते हुए हम लोग इस मेन आंसर राइटिंग का कुछ सैंपल क्वेश्चंस उठाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं डिफरेंट स्टेट जुडिशरी में। अब कई बच्चों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि मैम आप ये जो सीरीज कर रही हैं ये डीजीएस के लिए कर रही हैं, बिहार के लिए कर रही हैं, छत्तीसगढ़ के लिए कर रही हैं, एमपी के लिए कर रही हैं। मेरा आंसर आप सब स्टूडेंट्स के लिए ये है कि ये जो मैं मेंस आंसर राइटिंग की सीरीज कर रही हूँ इसमें मैं भिन्न प्रकार के डिफरेंट स्टेट्स के क्वेश्चन पेपर उठाऊंगी आपके सामने। जैसे कि पिछले सेशन में हमने एमपी सिविल जज का पेपर उठा के उसमें से एक क्वेश्चन को आंसर करा। आज भी आप देखोगे दिल्ली जुडिशरी हो गया, असम जुडिशरी हो गया, ऐसे डिफरेंट जुडिशरी के क्वेश्चन पेपर्स जो कि प्रीवियस हैं, जो कि पहले आ चुके हैं, हम उनको उठाएंगे, वो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको एक चीज और समझ में आएगी कि ये क्वेश्चन पहले ऑलरेडी आ चुका है, तो ये ऑलरेडी आ चुका है तो इसका दोबारा आने की संभावना भी काफी ज्यादा होती है। तो इसीलिए हम इन प्रीवियस ईयर के पेपर्स को उठाएंगे सारी स्टेट जुडिशरीज के। मेरा कोशिश ये रहेगी कि ये जो मैं आपके साथ सीरीज कर रही हूँ इसमें मैं डिफरेंट स्टेट जुडिशरी के एग्जाम के पेपर्स उठा के उनके क्वेश्चंस के मॉडल आंसर्स आपके साथ डिस्कस करूँ। और एक और बात ये है कि अगर आप लोगों को कोई भी चैलेंजेस फेस होते हैं, ये मैंने पिछले सेशन में भी बोला था, कोई भी प्रॉब्लम्स फेस होती हैं जब आप मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हो तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि हाँ मैम हमें ये प्रॉब्लम्स फेस होती हैं, इनको टैकल कैसे करना है, इसका सोल्यूशन आप हमें दीजिए। तो लॉ वाला के माध्यम पे हमारा हमेशा से यही एम रहा है कि हम आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें। हम लोग आपके उन सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज अपनी चैलेंजेस, अपनी प्रॉब्लम्स को जरूर शेयर करें, हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि आपको मेंस आंसर राइटिंग को प्रैक्टिस करते समय क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आइए देखते हैं कि इस सेशन में आज के हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग जो कवर करने वाले हैं उससे पहले हम एक चीज और देख लेते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या किया था। पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी कि मेंस आंसर की राइटिंग टेक्निक क्या होनी चाहिए। राइटिंग टेक्निक में होना चाहिए सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन, उसके बाद आपका होना चाहिए बॉडी और उसके बाद आपका होना चाहिए कंक्लूजन। तो ये तीन चीजों के ऊपर हम लोगों ने बात करी थी। हमने बेसिक स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, क्या क्या चैलेंजेस स्टूडेंट्स फेस करते हैं वो बात करी थी, डूज एंड डोंट्स बात करी थी, ऐसे बलून्स क्लाउड्स मत बना के आए, डिफरेंट कलर के पेन से ना करें, डबल अंडरलाइनिंग ना कर ले, कर्ली अंडरलाइनिंग ना करें, बॉक्सेस ना बनाएं, वहां पे अपने नाम का सिग्नेचर ना मार के आए ऐसे, ठीक है। अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना करें, क्योंकि ये सब कुछ बन सकता है एक मार्क, और ये आपके क्वेश्चन पेपर को, आंसर शीट को डिफरेंट स्टूडेंट से आइडेंटिफाइबल बना देगा और ये अनफेयर मींस में आ जाता है। तो इन सब चीजों से बचें। और पिछले लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन अनलॉफुल असेंबली के बारे में डिस्कस किया, उसका कॉन्सेप्ट रिवाइज किया और हमने एक सैंपल आंसर भी लिखा था। एक चीज और जो याद रखनी है, एक तो हो गया 3x3 वाला रूल, ये वाला, और एक 3x3 रूल क्या था, आपके आंसर को कैसा होना है, क्रिस्प, प्रिसाइज, और आपके आंसर को कैसा होना है, डिजायरेबल। ये अगर आप 3x3 ये वाला 3x3 का रूल याद रखेंगे तो आपकी जो मेंस आंसर राइटिंग है वो काफी ही ज्यादा सुधर जाएगी, काफी ही ज्यादा बेहतरीन हो जाएगी और ये आपको एज देगी डिफरेंट स्टूडेंट्स के सामने। एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है, प्रैक्टिस 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 मेक्स अ मैन परफेक्ट। जो बोला गया है वो एक्चुअली में बहुत ही सही बात बोली गई है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप सक्सेस नहीं पा पाएंगे। कई बच्चों को ये लगता है आंसर राइटिंग तो मैं बचपन से करते आ रहा हूँ, पहले स्कूल में करता था, कॉलेज में करता था, दोबारा कर लूंगा, कौन सी बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, कॉलेज के आंसर राइटिंग में और यहाँ के आंसर राइटिंग में बहुत अंतर है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको वो जो कॉलेज का आंसर लिखने का तरीका है उसको भूलना है, अनलर्न करना है और ये नए आंसर राइटिंग तरीके को करना है। आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को प्रिपेयर करना है। 5 मार्कर हो, 10 मार्कर हो, 20 मार्कर हो, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी डिस्कस करे थे, हमने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। तो आपको अगर क्वेश्चन पेपर में लिखा गया है क्या वर्ड लिमिट है उसको भी स्टिक करना है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स व्हाइल यू आर अटेम्प्टिंग अ मेंस का आंसर राइटिंग, बिकॉज मेंस का पेपर ही आपको एक्चुअली में इंटरव्यू की पोजीशन तक लेके जाता है, जहां से आप अपने सपने से बहुत पास हो जाते हैं। और वो सपना क्या है, जुडिशियल ऑफिसर की कुर्सी पे बैठने का, जज बनने का, लोगों के साथ जस्टिस करने का, लोगों को इंसाफ दिलाने का। तो अगर ये सपना है आपका तो आपको ये सारी चीजें करनी है। एक और छोटी सी चीज जो मैं आपको आज बोलना चाहती हूँ, कई बार ये होता है तैयारी करते करते हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा गुम हो जाते हैं, समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करें कहाँ से ना शुरू करें। तो आप लोगों को हताश नहीं होना, निराश नहीं होना। आप लोगों को क्या रखना है, वो जो टॉर्टोइस वाली हमने स्टोरी बचपन में पढ़ी थी ना, कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, धीरे धीरे चलते जाना है, परसिस्टेंट रहना है और अपने रास्ते को, अपना जो आपका सपना है उसको अपने सामने लिख के रखें। स्टडी टेबल, डाइनिंग टेबल, जहां पे भी आप लोग पढ़ते हैं वहां पे एक पेपर पे लिख के लगा लें आपका क्या एम है, क्या अपना सपना है, उसको लिख के लगा ले। और जब भी हताश हो, जब भी मन ना करे पढ़ने का, या जब भी आपको लगे कि ये तो मेरे बस की नहीं है, उस पेपर को देखें, वो जो आपने लिख के लगाया है उसको देखें एंड उसको देख के दोबारा से अपने अंदर वो मोटिवेशन लेके आए, दोबारा से अपने अंदर वो जज्बा लेके आए मेहनत करने का और दोबारा से खड़े होने का। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, धीरे धीरे चलते रहें, अपने आप को घसीटते रहें, धीरे धीरे चलेंगे, धीरे धीरे मेहनत करेंगे तो सक्सेस जरूर आपको मिलेगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के क्या टॉपिक्स हैं। आज हम लोग आईपीसी के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस को मैं आपके लिए लेके आई हूँ और उनके हम मॉडल आंसर्स को भी करेंगे। ठीक है, बट उससे पहले हम उनका जो टॉपिक है उसका रिवाइज भी करेंगे, रिविजन करेंगे कि ब्रीफली कि ये टॉपिक एक्चुअली में क्या बात करता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने जो है वो ये है कि क्वेश्चन नंबर 1, ये एक तरीके का हाइपोथेटिकल आप कह सकते हो या फिर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन कहते हो। इतना बड़ा क्वेश्चन देख के स्टूडेंट वैसे भी डीमोटिवेट हो जाता है, लगता है अरे मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा। डीमोटिवेट नहीं होना है, कहानी को आराम से समझना है, सतर्कता से समझना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज को भूलना नहीं है, मिस आउट नहीं करना। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहते हैं। श्री प्रेम सिंह इंटेंडेड टू किल, जो इम्पोर्टेंट चीज मेरे को लग रही है वो मैं मार्क कर रही हूँ, जो आपको लगे आप अपने पेपर में जरूर मार्क करें। गुरबचन सिंह ऑन whose life Prem Singh had invested a large amount in insurance without the knowledge of Gurbachan Singh in order to obtain sum from which he Gurbachan Singh was insured. तो प्रेम सिंह की इंटेंशन थी कि वो गुरबचन सिंह को मारना चाहता है। क्यों मारना चाहता है, उसने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है इंश्योरेंस में गुरबचन सिंह की नॉलेज के बिना, और जब वो मर जाएगा तो वो पैसा मिल जाएगा। प्रेम सिंह ने एडमिनिस्टर किया स्वीट मीट हलवा मिक्स्ड विद आर्सेनिक एंड मर्क्यूरी इन सॉल्युबल फॉर्म। तो उन्होंने हलवा खिलाया जिसके अंदर उन्होंने कुछ पॉइजन को मिक्स किया हुआ था। गुरबच्चन सिंह ने कुछ हलवा खाया, एट सम पोर्शन ऑफ द स्वीट मीट, और बाकी उन्होंने डाइनिंग टेबल में छोड़ दिया प्रेम सिंह के घर पे। He left it on the dining table in the house of Prem Singh, where other relations of Prem Singh too were invited. बहुत सारे लोगों को invite किया हुआ था, वो सब लोग भी वहाँ पे थे। उनको नहीं पता था कि इस हलवे के अंदर कुछ है। उन्होंने प्रेम सिंह ने गुरबच्चन सिंह को वो हलवा दिया, उन्होंने थोड़ा सा हलवा खाया और बाकी उन्होंने डाइनिंग टेबल पे छोड़ दिया। टू यंग चिल्ड्रन जिनकी एज थी 7 साल और 8 साल और प्रेम सिंह सिस्टर, तो 2 बच्चे थे प्रेम सिंह की बहन के 7 साल और 8 साल के, who were incidentally took the sweet meat left on the table without the knowledge of Prem Singh and ate it. इन दोनों बच्चों ने प्रेम सिंह की नॉलेज के बिना वो हलवा उठाया और वो हलवा खा लिया। ये हलवा खाने के कारण इन बच्चों की डेथ हो जाती है। वाई गुरबच्चन सिंह को एक्सेसिव वॉमिटिंग होती है, जिससे कि क्यों होती है, क्योंकि उस हलवे के अंदर था पॉइजनस सामान, आर्सेनिक एंड मर्क्यूरी थी उसमें। ठीक है, प्रेम सिंह को चार्ज करा गया ऑफ murder of 2 innocent children, but he pleads that he never intended to kill them. तो प्रेम सिंह के ऊपर चार्ज लगाया गया इन दोनों बच्चों की हत्या करने का, मर्डर करने का, बट वो क्या कहता है कि मेरी इंटेंशन तो थी ही नहीं इनको मारने की। ठीक है, and the children took the sweet meat without his knowledge. Being a judge in this case, discuss the liability of Prem Singh and the provision of law. Give reasons to support your answer. Students, अब आपको क्या समझना है कि एक बहुत लंबी चौड़ी सी सिचुएशन दे दी आपको और बोला कि आप माने कि ये कहानी आपके सामने आई है, ये केस आपके सामने आया है और आप जज हैं और अब आपको इस केस का आंसर ढूंढना है, इसमें जजमेंट देनी है, लायबिलिटी बतानी है प्रेम सिंह की क्या होगी, क्या क्या सेक्शंस लगाओगे और क्या रीजनिंग होगी आपकी। ठीक है, अगर तो आप लोग ऑलरेडी 299 300 वाला पोर्शन, कल्पेबल होमिसाइड मर्डर वाला पोर्शन पढ़ चुके हैं या फिर अपने कॉलेज में या फिर हमारे साथ फाउंडेशन बैच में, तो आपको पता है ये जो कॉन्सेप्ट रिवॉल्व कर रहा है, ये कर रहा है ट्रांसफर ऑफ मैलिस के अराउंड। ठीक है, अब हम लोग इस क्वेश्चन का सैंपल आंसर लिखने से पहले हम कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ मैलिस होता क्या है? सबसे पहले बात ये करी जाए कि ए जो है, अगर वो शूट करता है बी और बी बैठ जाता है और ये जो बुलेट है ये सी को लग जाती है और सी डाई कर जाता है, तो क्या होगा? ए की लायबिलिटी क्या होगी? ए विल बी लायबल फॉर अटेम्प्ट ऑफ मर्डर ऑफ बी, क्योंकि इसने अटेम्प्ट ऑफ मर्डर करने की कोशिश करी बी की और मर्डर ऑफ सी, क्योंकि इवेंचुअली सी मर गया। तो ट्रांसफर ऑफ मैलिस का क्या मतलब है? मैलिस का क्या मतलब है? आपका गिल्टी माइंड, आपका गिल्टी माइंड। आप लोगों को अगर याद हो, जब हम लोगों ने फाउंडेशन बैच में मेंस रिया और एक्टर सीरीज पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था मेंस रिया क्या होता है, गिल्टी माइंड। तो मैलिस हो गया आपका गिल्टी माइंड। इसी में हमने एक केस भी पढ़ा था, एम्परर मूर्ति वर्सेस मुशिनुरु सूर्यनारायण, मद्रास हाईकोर्ट का केस था, जहां पे क्या बोला गया, इस केस को मैं अभी आगे आने वाली स्लाइड्स में डिटेल में डिस्कस करूंगी, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस जब हम बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ मैलिस की। और आपको अपने आंसर में भी लिख के आना चाहिए कि ए ने हलवा दिया मिक्स विद सम पॉइजन टू बी, बी ने इस हलवे को अपनी बेटी को पास कर दिया, जिसके कारण उस बेटी की डेथ हो जाती है। अब ए की जो लायबिलिटी है वो क्या होगी? अटेम्प्ट ऑफ मर्डर ऑफ बी एंड मर्डर ऑफ सी, मर्डर ऑफ चाइल्ड बेसिकली। तो अगर आप इस मुशिनुरु, एम्परर मूर्ति मुशिनुरु वाले केस के फैक्ट्स और जो क्वेश्चन इन हैंड है उसके फैक्ट्स को देखें तो काफी सिमिलैरिटी है। बेसिकली जो प्रेम सिंह है उसकी इंटेंशन क्या थी कि वो गुरबच्चन सिंह को मारना चाहता है, इसके कारण उसने हलवे में कुछ कुछ चीजें मिलाई, पॉइजनस चीजें मिलाई एंड गुरबच्चन सिंह को दे दी। गुरबच्चन सिंह ने थोड़ा सा खाया एंड थोड़ा सा रख दिया। वो थोड़ा सा रखा हुआ हलवा वो 2 इनोसेंट बच्चों ने खा लिया, जिनके कारण उनकी डेथ हो गई। प्रेम सिंह की क्या लायबिलिटी हुई? प्रेम सिंह की लायबिलिटी हुई कि वो अटेम्प्ट ऑफ मर्डर होगा ऑफ गुरबच्चन सिंह और मर्डर ऑफ दोस 2 इनोसेंट चिल्ड्रन के लिए उसको लायबल ठहराना चाहिए। इस जजमेंट को लिखने से पहले, इस मॉडल आंसर को लिखने से पहले हम एक बार ये पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज जरूर करेंगे, क्योंकि जब हम लोग पढ़ ही रहे हैं तो व्हाई नॉट रिवाइज द एंटायर कॉन्सेप्ट, जिससे कि आपका रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, तो इफ अ पर्सन डज एनीथिंग जिसमें उसकी इंटेंशन होती है या फिर उसको नॉलेज होती है कि वो सामने वाले की डेथ कॉज कर देगा, वो कमिट करता है कल्पेबल होमिसाइड बाय कॉजिंग डेथ ऑफ एनी अदर पर्सन जिसकी डेथ उसकी इंटेंशन नहीं थी या फिर उसको नॉलेज नहीं थी, तो कल्पेबल होमिसाइड कमिट किया जाएगा ऑफ द डिस्क्रिप्शन जो कि उसने ऑलरेडी इंटेंड किया था। तो बेसिकली ये हमारा सेक्शन 301 कहता है, ठीक है। ये सेक्शन इनकॉर्पोरेट करता है कि अगर आप ऑफेंस करते हो कल्पेबल होमिसाइड का, व्हाट इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैलिस या फिर ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ मोटिव। तो बेसिकली इस डॉक्ट्रिन का नाम कहा जाता है ट्रांसफर ऑफ मैलिस या फिर ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ मोटिव। इंग्लिश लॉ में भी इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। मेंस रिया एक ऐसा ऑर्डिनरली एसेंशियल इंग्रेडिएंट है जो आपको प्रूफ करना बहुत ज्यादा जरूरी है जब आप बात कर रहे हो डॉक्ट्रिन ऑफ मैलिस की। तो मेंस रिया हो गया आपका साइन क्वा नॉन। साइन क्वा नॉन क्या होता है स्टूडेंट? साइन क्वा नॉन का मतलब होता है इट इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल थिंग, इट इज द एसेंशियल फीचर, ठीक है। तो इट कैन नॉट बी यूज्ड टू प्लीड टू एस्केप पनिशमेंट। जब आप बात कर रहे हो कि कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो गए जिससे कि जो आपका इंटेंशन था एक पर्टिकुलर बंदे को मारने का उसकी जगह किसी और की डेथ हो जाती है, तो यू विल बी लायबल फॉर दैट। तो बेसिकली वही मैलिस को ट्रांसफर करेंगे जो आपका मैलिस इंटेंशनली, जो आपका मैलिस इनिशियली था। अगर ए शूट करता है बी को और उसकी इंटेंशन है कि उसको मारना चाहता है, बट मिसेस बी एंड किल सी, यहाँ पे C would not have been killed had the fatal shot prompted by malice towards B had not been fired, therefore वो malice transfer हो जाएगा। Basically अगर A की intention थी कि वो अपनी गन से शूट करना चाहता है B को और B यहाँ पे डक कर जाता है या फिर बैठ जाता है और ये जो गन की शॉट है ये C को लग जाती है, तो वही इंटेंशन को आप ट्रांसफर करोगे जो आपकी किसके प्रति थी? B के प्रति थी, वही इंटेंशन को आप ट्रांसफर करोगे। एक्टस रिया एंड मेंस रिया मस्ट बी ऑफ द सेम क्राइम। देयरफॉर अगर ए शूट कर रहा है ह्यूमन बीइंग को, मिस्टेक से सी को लग जाती है, देन ही विल बी लायबल। ए शूट कर रहा है ह्यूमन बीइंग को, मिस कर जाता है, किल कर देता है किसी और बंदे को, देन आल्सो ही विल बी लायबल। बट अगर ए शूट कर रहा है बी को जो कि एक डॉग है, एक डॉग है, एक ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो मिस कर जाता है और एक ह्यूमन बीइंग को लग जाता है, देन he will not be liable for murder because उसका मेंस रिया था to kill a dog, ठीक है। ये चीज को आपको ध्यान रखना है। A शूट करता है B को, बट अगर एक डॉग को लग जाती है then also he will not be liable because human being की तो डेथ ही नहीं हुई। तो क्या देखना है, अगर एक ह्यूमन बीइंग को मारना चाहता है A, अगर एक ह्यूमन बीइंग को मारना चाहता है A और इसकी जगह दूसरे ह्यूमन बीइंग को लग जाती है, then only a transfer of malice will apply, ठीक है। अब हमने कुछ केस लॉ पढ़े थे। चतुरनाथ का केस पढ़ा था जहां पे चतुरनाथ ने एक स्टिक को घुमाया, एट ए, वाइफ ऑफ ए केम इन बिटवीन, और एक बच्चा था उसकी गोदी में जिसको चोट लग गई और वो बच्चा मर गया। तो क्या बोला गया कि मैलिस कितना था उतना ही ट्रांसफर करा जाएगा जितना इनिशियली था। यहाँ पे चतुरनाथ was liable only for simple hurt, क्योंकि चतुरनाथ जब एक स्टिक से ए को मारना चाहता था और ए की बीवी बच्चे को लेके बीच में आ जाती है, उसकी इंटेंशन नहीं थी कि वो उस बच्चे का मर्डर करना चाहता है या फिर ए का मर्डर करना चाहता है, वो सिर्फ सिंपल हर्ट कॉज करना चाहता था। और जब वो सिर्फ सिंपल हर्ट कॉज करना चाहता था तो उतना ही मैलिस, उतना ही गिल्टी माइंड को आप ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। क्वीन वर्सेस लैटिमर, ये एक क्वारल हुआ एक पब्लिक हाउस में जो कि एलन रॉल्स्टन बिटवीन लैटिमर एंड वन थॉमस एवैक्यूम। लैटिमर ने एक बेल्ट को उठाया और उन्होंने थॉमस को मारा, बेल्ट रिबाउंड कर गई और उसने वापस आ गई एलन रॉल्स्टन के मुंह पे, ठीक है। तो कई बार आपने देखा होगा जब आप बेल्ट को घुमाते हो ऐसे ऐसे वो रिबाउंड करके भी आ जाती है। यहाँ पे लाइबल किस चीज के लिए होंगे? हर्ट के लिए लाइबल होंगे बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैलिस अंडर सेक्शन 301। Public Prosecutor versus Mushinuru Suryanarayana Murthy. This is one of the most important case under transfer of malice, and this case relates to the case in hand, the question in hand, जिसमें आपको जजमेंट लिखने के लिए बोला गया। Accused जो हैं, उन्होंने A को एक पॉइजन हलवा दिया जिसके अंदर उन्होंने क्या मिला दिया था? हलवे के अंदर उन्होंने कुछ पॉइजन मिला दिया था और उसकी इंटेंशन क्या थी कि वो मारना चाहता था इसको। ए ने थोड़ा सा हलवा खाया और उसके बाद बाकी उसने फेंक दिया। जो वो फेंका हुआ हलवा था, जो एक बी था, एक बच्चा था, उसने वो हलवा उठाया और उसने खा लिया, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दिया जो था सी। ये दोनों बच्चे मर जाते हैं जबकि ए सरवाइव कर जाता है। क्वेश्चन आया कि अक्यूज किस चीज के लिए लायबल होगा, क्या लायबिलिटी होगी। तो आपको क्या देखना है, उतना ही ट्रांसफर करोगे मैलिस, कितना ट्रांसफर करोगे जितना इनिशियली था। इनिशियली कितना मैलिस था, इनिशियली मैलिस था ए को हलवा देके मारने का, इंटेंशन टू किल थी, तो उतना ही हम ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पे तीन कॉजेज हुए एक साथ, अक्यूज ने हलवे के अंदर मिक्स किया पॉइजन और दे दिया ए को, ए ने थोड़ा सा हलवा खाया और बाकी फेंक दिया, बी जो छोटा बच्चा था उसने थोड़ा सा खुद खाया और थोड़ा सा अपने फ्रेंड सी को भी दे दिया। यहाँ पे ट्रांजैक्शन ब्रेक नहीं हुई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि ट्रांजैक्शन ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ट्रांजैक्शन ब्रेक नहीं हुई, बी को नहीं पता था जो छोटा बच्चा है कि इस हलवे के अंदर पॉइजन मिला हुआ है और उसने इनोसेंटली खुद भी खाया और दूसरे बच्चे को भी दे दिया। Therefore, A की लायबिलिटी क्या होगी, he will be liable for murder of the children and attempt of murder of the person जिसको उसको मारना था पर वो बंदा मरा नहीं। तो उतना ही malice को ट्रांसफर करेंगे जितना इनिशियली था। अब बात करते हैं जो हमारा क्वेश्चन है उसकी हमें करनी है आंसर राइटिंग। तो आपके सामने सैंपल आंसर मॉडल आंसर में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अब हमारा आएगा, सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, हमारे इंट्रोडक्शन की जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है। इंट्रोडक्शन क्या कहता है, सेक्शन 301 ऑफ आईपीसी बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ मैलिस की, जो कि इंग्लिश लॉ में ट्रांसफर ऑफ मैलिस भी कहा जाता है। जब भी एक पर्सन, व्हेनेवर अ पर्सन अक्यूज्ड विद अ पर्टिकुलर मेंस रिया, पर्टिकुलर गिल्टी माइंड है उसका, एक्ट्स अपॉन द विक्टिम एंड इन कंटिन्यूटी ऑफ द ट्रांजैक्शन हार्म करता है टू सम अदर पर्सन, जो अक्यूज्ड है वो लायबल होगा फॉर द ऑफेंस कमिटेड अपॉन दैट पर्सन एंड आल्सो फॉर द अटेम्प्ट टू कमिट दैट ऑफेंस फॉर द फर्स्ट पर्सन। बेसिकली जब प्रेम सिंह ने गुरबच्चन सिंह को मिक्स्ड पॉइजन के साथ हलवा दिया तो क्या लायबिलिटी होगी, लायबिलिटी होगी वही जो कि उसकी पहले होनी चाहिए थी। अगर गुरबच्चन सिंह मर जाता तो वही लायबिलिटी इंप्यूट करेंगे। एंड क्या ध्यान में रखेंगे, आप ये ध्यान में रखेंगे कि उतना ही मैलिस को ट्रांसफर करेंगे जितना इनिशियली था। हाउएवर only as much mensria will get transferred as was initially found, जितना mensria पहले था उतना ही आप ट्रांसफर करेंगे। इन द above stated preposition प्रेम सिंह ने इंटेंशन थी कि वो किल करना चाहते हैं गुरबच्चन सिंह को, और इसी इंटेंशन के साथ उन्होंने एडमिनिस्टर किया गुरबच्चन सिंह को हलवा मिक्स्ड विद पॉइजन। इंसिडेंटली जो चिल्ड्रन थे प्रेम सिंह की बहन के, उन्होंने हलवा लिया और उन्होंने खा लिया। एंड प्रेम सिंह ने डिफेंस लिया कि उनकी कोई इंटेंशन नहीं थी या उनको कोई नॉलेज नहीं थी इन बच्चों को मारने की। It is commonly knowledge that a man who has an unlawful and malicious intent against another injures a third person, उनकी guilty होंगे of the deems that the malice against the person injured because the offender is doing an unlawful act. आप एक legal fiction मान लेंगे कि उनकी इंटेंशन थी इन इनोसेंट बच्चों को मारने की भी। जो ये अंडरलाइन आइडिया है सेक्शन 301 का, appears to be that where on the act itself is criminal, the doing of the act is an offense irrespective of the individuality of the person harmed. तो बेसिकली वो क्या कहना चाह रहे हैं आंसर में, वो ये कह रहे हैं कि जो आपकी एक्ट है पर से ही अनलॉफुल है, पर से ही इलीगल है। आप किसी ह्यूमन बीइंग को मारना चाहते हो, होमिसाइड करना चाहते हो, तो जब आप होमिसाइड करना चाहते हो, किसी इंडिविजुअल को मारना चाहते हो, फर्क नहीं पड़ता प्रेम सिंह सॉरी गुरबच्चन सिंह मरा या उसकी बहन के बच्चे मरे, डज नॉट मैटर। आप एक ह्यूमन बीइंग को मारना चाहते थे। जब आप एक ह्यूमन बीइंग को मारना चाहते थे, आपका गिल्टी माइंड था, आपका इंटेंशन था, तो आपके ऊपर हम वो लायबिलिटी इंप्यूट करेंगे। So a person on killing by mistake a man other than what he intended to kill is in the same position as if he had killed the person he intended to kill. तो यहाँ पे आपने एक legal fiction को create कर दिया कि वही liability मानी जाएगी जो तब मानी जाती अगर गुरबच्चन सिंह मर जाता। Same was held in the landmark case of Public Prosecutor versus Mushinuru Suryanarayana Murthy, जो मैंने आपको बोला कि आपको लिखना चाहिए एक case law। तो यही same बात, same facts थे, ये आपने रिलाई कर दिया इस केस के ऊपर। तो आप अपने आंसर्स में जब लिखेंगे तो आपको रिलाई करना होगा ऐसे केस लॉज के ऊपर जिनके सिमिलर फैक्ट्स होंगे, या फिर आप उनके ऊपर का उनका जो रेशियो डिसीडेंडी है वो आप ले रहे हो अपनी जजमेंट के अंदर। देयरफॉर इन द लाइट ऑफ द सेक्शन 301 प्रेम सिंह की लायबिलिटी होगी फॉर द मर्डर ऑफ 2 चिल्ड्रन एंड अटेम्प्ट टू किल गुरबच्चन सिंह आल्सो। तो ये आ गया आपका कंक्लूजन। तो आपने देखा आपने कैसे जजमेंट दी। आपने सबसे पहले एक इंट्रो किया जहां पे आपने बताया ये जो बात हो रही है सेक्शन 301 की हो रही है, बॉडी के अंदर आपने पूरी चीज कहानी को समझाया, प्रोविजंस को समझाया, केस लॉस को लिया और उसके बाद आपने कंक्लूजन में क्या कर दिया, कंक्लूजन में आपने समझा दिया कि हाँ जी If I am a judge, I will hold this person, प्रेम सिंह को मैं लाइबल ठहराऊंगा फॉर द मर्डर ऑफ दीज टू यंग चिल्ड्रन एंड अटेम्प्ट टू किल गुरबचन सिंह। ऑल्सो यू हैव रिलाइड अपॉन अ केस व्हिच हैज वेरी सिमिलर फैक्ट, और आपको मैंने बोला था मिनिमम 2 केसेस लिखे, बट अगर आपको लग रहा है कि एक ही केस ऐसा है जिसमें बहुत दम है और सेम फैक्ट्स हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे किया। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। आप देखें कितने बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन था ये भी दिल्ली जुडिशरी के उससे था। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। बी वाज अ नेबर ऑफ ए, बी पड़ोसी था ए का, उसके इलिसिट रिलेशनशिप्स थे ए की वाइफ के साथ सी के साथ फॉर मेनी इयर्स। 31 मार्च 1993 को बी वेंट टू स्लीप इन हिज हाउस इन द इवनिंग एंड डिड नॉट अपीयर देयरआफ्टर। वो अपने घर सोने गया और उसके बाद से वो अपीयर नहीं हुआ। 4 अप्रैल 1993 को ब्रदर ऑफ बी ने एक रिपोर्ट लॉन्च करी पुलिस के साथ एक्सप्रेसिंग की सस्पेशन अगेंस्ट ए एंड सी। उन्होंने सस्पेशन उठाया ए और सी के ऊपर कि इन्होंने ही कुछ मेरे भाई के साथ किया है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ए एलिजिबली मेड अ डिस्क्लोजर स्टेटमेंट and consequently led the police party to his sitting room where he had pointed out a spot covered by a cord। तो उन्होंने डिस्क्लोजर स्टेटमेंट दी जहां पे उन्होंने एक पॉइंट आउट किया एक जगह को जो उन्होंने अपनी एक खाट के ऊपर खाट से या फिर एक कॉर्ड से कवर किया हुआ था। He thereafter dug the floor and dead body of B was recovered from a 5 feet deep grave. At A's pointing out, police also seized a wood cutter and a knife from a bag hanging in the adjacent room. Knife had no blood stains while woodcutter had it. Serologist on examination found it to be human blood and of the same group जो कि deceased B का था। दोनों A and C को ट्राई किया जा रहा है for offense under section 201 Redwith section 34 Indian Penal Code. Entire case of the prosecution is based on circumstantial evidence. क्योंकि कोई भी आई विटनेस नहीं है इसीलिए पूरा circumstantial evidence के बेसिस पे पूरा का पूरा केस चल रहा है। Circumstances relied upon by the prosecution are question। देखो आप कितना बड़ा क्वेश्चन है और कितने कंफ्यूजन होने के चांसेस हैं। ठीक है, बट आपको घबराना नहीं है क्योंकि आप तो ऑलरेडी प्रैक्टिस करके गए। लॉ वाला के माध्यम से हम है ना आपके साथ प्रैक्टिस करने के लिए, और इन सीरीज के बाद आप और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे क्योंकि जब आपको एक बार फंडा समझ आ जाएगा तो प्रैक्टिस करने में आपको मजा आने लग जाएगा। आप जब अपनी कुर्सी पे बैठ के स्टडी टेबल पे क्वेश्चन देखा करोगे ना आपको लगेगा अरे वाह मैं तो जज हूँ, मेरे पास अथॉरिटी है, मैं डिसाइड करूंगा, मैं जजमेंट दूंगा। क्योंकि आपको लॉ पता है, आपको मेंस आंसर राइटिंग के सैंपल आंसर्स पता चल गए, अब आप जजमेंट्स लिख सकते हो, जजमेंट्स दे सकते हो। तो इन बड़े बड़े क्वेश्चन से घबराना नहीं है। देखते हैं कि आगे प्रोसिक्यूशन क्या कहता है। प्रोसिक्यूशन जो रिलाई कर रहा है वो क्या कर रहा है कि डिसीज जो है उसके इलिसिट रिलेशंस थे विद सी वाइफ ऑफ ए, तो पोटिव को संभालने की कोशिश कर रहा है, बोल रहा है कि शायद इसलिए मारा हो क्योंकि उसके नाजायज संबंध थे ए की वाइफ के साथ। डिसीज वाज लास्ट सीन ऑन द नाइट ऑफ 31/6/1993 व्हेन ही वेंट टू स्लीप इन हिज हाउस, एंड उसके बाद से उसकी डेड बॉडी को ही मिले गई है एट द हाउस ऑफ अक्यूज। ऑन इंटेरोगेशन ए ने डिस्क्लोजर स्टेटमेंट किया जिसके कारण डेड बॉडी रिकवर हुई 5 फीट डीप पिट से जो कि सिटिंग रूम में थी ए के। रिकवरी ऑफ वुड कटर हुआ फ्रॉम द पोजेशन ऑफ ए व्हिच वाज फाउंड टू बेयर द सेम ह्यूमन ब्लड ग्रुप एज दैट ऑफ डिसीज। आपको जजमेंट लिखनी है कि क्या जजमेंट होगी आपके हिसाब से। ये डीजीएस 1996 का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सो बी अलर्ट। दिल्ली जुडिशरी वाले बहुत सारे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन देते हैं, यूपी वाले भी कई बार देते हैं, तो आपको प्रिपेयर्ड रहना है। यहाँ पे क्या टेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ये आपकी लॉ को टेस्ट कर रहे हैं और आप इसको अप्लाई कैसे करते हैं उसको भी टेस्ट करते हैं। तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ, जब आप कल को जजेस बन जाएंगे आपको इन लॉ को अप्लाई करना होगा, ये वही चीज को टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक हिंट है कि सेक्शन 201 होता क्या है, एविडेंस ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस टू डिसअपीयर। अगर आप किसी भी एविडेंस को छुपाते हैं, डिसअपीयर कराते हैं, सेक्शन 201 लगता है। सेक्शन 302 आईपीसी का मर्डर के बारे में बात करता है, 334 बात करता है कॉमन इंटेंशन। अब इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन का डीजीएस 1996 के क्वेश्चन का हम आंसर लिखें, हम पहले कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि होता क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले 299 पे आते हैं। 299 हमने पढ़ा हुआ है, तीन पार्ट्स में आता है। इंटेंशन टू कॉज डेथ, वो जो इंटेंशन टू कॉज डेथ होती है या तो विद बॉडीली इंजरी है या फिर विदाउट बॉडीली इंजरी। विद बॉडीली इंजरी हो गई, किसी को आपने चाकू मार दिया उसकी छाती पे, स्टैब्ड इन द चेस्ट, या फिर लाठी से पिटाई करी, तो विद बॉडीली इंजरी। विदाउट बॉडीली इंजरी कौन से हो गए, जहां पे आपने पॉइजन दे दिया, स्ट्रैंगुलेट कर दिया, या फिर उसको खाई से धक्का दे दिया, पानी के अंदर उसको धक्का दे दिया, बहुत डीप पानी था वहां पे आपने धक्का दे दिया, तो आपकी इंटेंशन थी टू कॉज डेथ, तो विदाउट बॉडीली इंजरी आपने किसी का खून कर दिया। सेकेंड पार्ट आता है सेक्शन का, जहां पे वो कहते हैं कि इंटेंशन टू कॉज सच बॉडीली इंजरी जो लाइकली है टू कॉज डेथ। अब ये लाइकली है टू कॉज डेथ ये कौन बताएगा, ये डॉक्टर की रिपोर्ट बताएगी, डॉक्टर के ओपिनियन में ऐसी बॉडीली इंजरी आप कॉज कर रहे हो, लाइकली है कि सामने वाले की डेथ कॉज हो जाएगी, तो वो सेकंड पार्ट में कहता है। और थर्ड पार्ट कहता है कि आपको नॉलेज है कि जो भी आप एक्ट कर रहे हो वो लाइकलीहुड है कि सामने वाले की डेथ कॉज हो जाएगी, यहाँ पे इंटेंशन नहीं है बट नॉलेज है। ये तीन पार्ट्स हमने 299 में पढ़े। आप सोच रहे होगे मैम बात तो 302 की हो रही है, मर्डर की बात हो रही है, 299 की क्यों कर रहे हो? 299 की मैं बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि 299 और 300 आपस में कोरिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है। जब तक 299 नहीं समझोगे 300 को समझना बहुत मुश्किल है। ठीक है, 304 में हम पनिशमेंट्स की बात करते हैं। हम बात करते हैं पनिशमेंट्स की कि पनिशमेंट क्या होती है फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो सेक्शन कहता है कि कोई भी अगर कल्पेबल होमिसाइड कमिट करता है नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, उसको सजा होगी कितनी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर उतनी सजा जो कि 10 साल तक हो सकती है और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर 10 साल की सजा प्लस फाइन भी हो सकता है। अगर एक्ट ऐसी है जिसमें डेथ कॉज हो जाती है विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ या फिर ऐसी बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, ये कहाँ है, फर्स्ट क्लॉज हो गया, ये सेकंड क्लॉज हो गया। इन टाइम पे आपको कितनी सजा होगी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर 10 years प्लस फाइन। विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 10 years और विद फाइन और बोथ। ठीक है, तो 10 साल तक की सजा हो सकती है, जुर्माना भी देना पड़ सकता है। अगर आप ऐसा एक्ट कर रहे हो जहाँ पे आपको नॉलेज है बट आपकी इंटेंशन नहीं है कि आप सामने वाले की डेथ कॉज करोगे या फिर बॉडीली इंजरी कॉज करोगे, तो आपको कितनी सजा हो सकती है, आपको 10 साल तक की सजा हो सकती है, जेल जाना पड़ सकता है और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो सेक्शन 304 को अगर हम समझे, पैरा 1 कहता है, कौन सी बात करता है, 299(1) की और 299(2) की बात करता है। और पैरा नंबर 2, 299(1) और 299(2) कितनी सजा बता दी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर 10 years। पैरा 2 बात करता है 299(3) की और क्या कहता है, आपको कितनी सजा होगी, 10 साल तक की सजा आपको हो सकती है। ठीक है, अब क्या जरूरी है, जब मैं बोल रही हूँ कि आपको 299 और 300 के बीच में रिलेशन समझना जरूरी है, तो हमारा एक रेग वर्सेस गोविंदा का केस आता है। स्टूडेंट्स, इसको भी प्लीज ध्यान में रख लीजिए क्योंकि ये अब आपके सामने आ ही रहा है, तो व्हाई नॉट कीप इट इन योर माइंड, बिकॉज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि डिफरेंस कहाँ पे बताया गया है, कौन से केस में डिफरेंस बताया गया है 299 और 300 के बीच में, तो रेग वर्सेस गोविंदा में बताया गया है। अब कंपैरिजन कर लेते हैं। सेक्शन 299 और 300 की जब हम बात करते हैं, तो कोई भी अगर डेथ कॉज करता है और उसकी इंटेंशन क्या है, उसकी इंटेंशन है टू कॉज डेथ, तो 299(1)। 301 क्या कहता है, अगर कोई भी डेथ कॉज करता है और उसकी इंटेंशन क्या है, डेथ कॉज करने की, तो 301। तो अब आप बोलोगे मैम 299(1) और 301 में डिफरेंस क्या है, मेरा आंसर होगा 0, कोई डिफरेंस नहीं है। 299(1) इज इक्वल टू 300 क्लॉज 1। अब आप पूछोगे कि मैम फिर 299 बनाया क्यों, 299(1) बनाने की जरूरत क्या थी, हम डायरेक्टली 301 में क्यों नहीं जा सकते थे? उसका रीजन है culpable homicide is the genus और murder is the species। तो ये जो स्टेटमेंट है, अगर आपका 299(1) को मैं हटा दूंगी तो ये स्टेटमेंट भी हट जाएगी। इसीलिए जरूरी ये है कि सबसे पहले 299 में बंदा जाएगा और उसी के बाद मर्डर में जाएगा। कल्पेबल होमिसाइड बड़ा बच्चा होता है, मर्डर छोटा बच्चा होता है। पहले आपको कल्पेबल होमिसाइड में जाना है, कोई एसेंशियल, कोई एक एक्स्ट्रा फीचर आएगा तभी आप मर्डर में जा पाओगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्लॉज को भी समझ लेते हैं। जब हम कह रहे हैं 299(2) में आपकी इंटेंशन थी कि आप ऐसी बॉडीली इंजरी कॉज करोगे व्हिच इज लाइकली टू कॉज डेथ, 299(2)। 302 क्या कहता है, इंटेंशन है आपकी ऐसी बॉडीली इंजरी कॉज करने की और ऑफेंडर को पता है इज दिस लाइकली टू कॉज डेथ। तो वर्ड एक्स्ट्रा क्या आ गया, नॉलेज एक्स्ट्रा आ गया। नॉलेज इज एडिशनली इंप्यूटेड। जैसे कि आपको कोई पिक्यूलियर सर्कमस्टेंसेस का उसका पता है, आपको पता है उसको स्प्लीन की प्रॉब्लम है, उसको अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है और आपने वहीं पे उसको मार दिया, तो यहाँ पे आपको नॉलेज थी कि उसको कोई प्रॉब्लम है और जो आप बॉडीली इंजरी कॉज करोगे वो लाइकली है टू कॉज डेथ ऑफ दैट पर्सन, देन यू विल फॉल अंडर 300(2)। ध्यान रखने की बात ये है कि यहाँ पे हमें मेडिकल रिपोर्ट, डॉक्टर का ओपिनियन देखना पड़ता है कि वो अपने इंजरीज को असर्टेन करने के बाद, एग्जामिन करने के बाद ये बोले कि हाँ जी ये जो इंजरीज हैं ये लाइकली है टू कॉज डेथ ऑफ द पर्सन। ठीक है, तो जब हम कंपैरिजन करते हैं 299 और 300 के बीच में, फ्रॉम द अबव चार्ट क्या क्लियर हो जाता है कि 299 सबक्लॉज 1 इज इक्वल टू 300 सबक्लॉज 1, 299 सबक्लॉज 1 इज इक्वल टू सेक्शन 300 सबक्लॉज 1। उसके बाद सेक्शन 299 सबक्लॉज 2 plus knowledge of a peculiar circumstances will be equal to section 300 subclause 2 और section 299 subclause 3 correspond करता है किसको, section 300 के subclause 4। ठीक है, अब आपको क्या समझना है, जब 299(2) में जहां पे आपकी इंटेंशन थी कि आप ऐसी बॉडीली इंजरी कॉज करना चाह रहे हो जिससे कि सामने वाले की डेथ हो जाए और वो पर्टिकुलर बॉडीली इंजरी के बारे में आपको पता है, तो आप 300 सबक्लॉज 2 में आ जाओगे। जैसे स्पोल एंड स्प्रीन की बात हो गई, कोई भी पेक्यूलियर सर्कमस्टेंसेस आपको पता है, अगर आप वहीं पे मारते हो और वो जो इंजरी है वो लाइकली टू कॉज डेथ ऑफ द पर्सन है, तो आप आ जाओगे सेक्शन 300 सबक्लॉज 2 में। तो सच एक्ट ऑफ बी इज लाइकली टू कॉज डेथ और आपको नॉलेज थी ऑफ अ पेक्यूलियर कंडीशन, तो आप सेक्शन 300 सबक्लॉज 2 के अंदर आ जाओगे। एसेंशियल एलिमेंट समझ लो, इंटेंशन है टू कॉज बॉडीली इंजरी, डॉक्टर का ओपिनियन आया कि हां जी दिस वाज सफिशिएंट टू कॉज दैट वाज लाइकली टू कॉज बॉडीली इंजरी, और नॉलेज है ऑफ अ पेक्यूलियर सर्कमस्टेंसेस, तो आप कहां फॉल कर जाओगे, यू विल फॉल अंडर सेक्शन 300 सबक्लॉज 2। अब समझो थर्ड क्लॉज के बारे में। 299(3) कहता है कि नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ। बेसिकली अगर ए छत से बी को फेंकता है तो उसको नॉलेज है कि काफी सारे बॉडी पार्ट्स उसके टूट जाएंगे, बट स्पेसिफिक नहीं है कि कौन सा बॉडी पार्ट टूटेगा। तो बेसिकली इंजरी जो है वो इतनी सारी हो जाएंगी व्हिच इज लाइकली टू कॉज डेथ। एक जनरल नॉलेज है, कोई स्पेसिफिक नॉलेज नहीं है। जब हम 300 सबक्लॉज 3 की बात करते हैं तो सेक्शन 299(2) और बॉडीली इंजरी इज सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर, तो बॉडीली इंजरी सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर ये कौन बताएगा, ये बताएगा ओपिनियन ऑफ डॉक्टर। डॉक्टर साहब बताएंगे कि आपकी बॉडीली इंजरी वाज इट लाइकली टू कॉज डेथ और वाज इट सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। तो इन दोनों चीजों को कौन बताएगा, ये डॉक्टर के ओपिनियन से पता चलेगा। तो बेसिकली सेक्शन 300 सबक्लॉज 3 की अगर हम बात करें तो इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी था, बॉडीली इंजरी ऐसी थी कि डेथ हो जाएगी और अपने आप में अगर वो सफिशिएंट थी इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर की डेथ हो जाएगी, तो आप 300 सबक्लॉज 3 के अंदर फिट कर जाओगे। अब ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन की बात करें तो डॉक्टर साहब को एग्जामिनेशन करना पड़ता है और ये एक ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होता है कि लाइकली टू कॉज डेथ है तो 299(2) और सफिशिएंट टू कॉज डेथ है तो 300 सबक्लॉज 2। जहाँ पे हम बात करते हैं कि मेंस रिया क्या था, गिल्टी माइंड क्या था, वो अपने आप में एक सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होता है जिसको हमें अक्यूज के डिफरेंट चीजों को एक्सप्लोर करना पड़ता है, समझना पड़ता है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को लेके कि उसका इंटेंशन क्या था। बट जो डॉक्टर का एग्जामिनेशन है लाइकली या फिर सफिशिएंट, वो अपने आप में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन माना जाता है। 300 सबक्लॉज 4 को भी पढ़ लेते हैं। वो क्या कहता है कि जब पर्सन कोई एक ऐसा एक्ट करता है और उसको नॉलेज है कि वो जो एक्ट कर रहा है वो एमिनेंटली डेंजरस है और इससे बहुत चांसेस हैं कि सामने वाले की डेथ हो जाएगी या फिर ऐसी बॉडीली इंजरी होगी कि डेथ हो जाए और वो किसी एक्सक्यूज के बिना कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल ले लो, बस स्टैंड के ऊपर बहुत सारे लोग बस की वेट कर रहे हैं, वहां जाके आपने एक बॉम्ब फोड़ दिया, भगदड़ मच जाएगी, स्टैम्पीड हो जाएगा, उस बॉम्ब के फटने से लोगों की डेथ हो सकती है। तो आपको नॉलेज है, इन तीन चीजों में से कुछ भी हो सकता है। आप एमिनेंटली डेंजरस एक्ट कर रहे हो, विदाउट एनी एक्सक्यूज कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, सेक्शन 300 सबक्लॉज 4 के अंदर आ जाओगे। ठीक है, सेक्शन 300 सबक्लॉज 4 का सेकंड पार्ट क्या कहता है, विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज। बेसिकली सेक्शन 300 सबक्लॉज 4 ये कहता है कि आप जनरल एक्सप्लेनेशन से नहीं जाओगे, आप 5 एक्सेप्शन जो 300 के अंदर दिए हुए हैं वो नहीं करोगे। कोर्ट को एग्जामिन करना पड़ेगा कि क्या एक्सक्यूज था और क्या एक्सक्यूज नहीं था। कोई रिजिड फॉर्मूला नहीं दिया गया है, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे कोर्ट को इवेल्युएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम कल्पेबल होमिसाइड की बात करते हैं, दो तरीके का कल्पेबल होमिसाइड होता है, एक विच अमाउंट्स टू मर्डर एंड दूसरा विच डज नॉट अमाउंट्स टू मर्डर। मर्डर हो गया अगर इंटेंडेड पर्सन का, सेक्शन 302, जो कि हमारे क्वेश्चन के अंदर हम बात कर रहे हैं कि जो उन्होंने मर्डर किया, हस्बैंड एंड वाइफ ने, ए और सी ने मिलकर बी का मर्डर करा, वो सेक्शन 302 लगेगा क्योंकि इंटेंशन था टू कॉज डेथ ऑफ दैट पर्सन। ट्रांसफर ऑफ मैलिस सेक्शन 301, जो हम लोगों ने अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा। 303 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है मिट्ठू सिंह के केस में, इसको भी आप पढ़ लें अगर आपके सामने आया है तो, व्हाई नॉट स्टडी, ये पीटी में कई बार पूछा जाता है। कल्पेबल होमिसाइड व्हिच डज नॉट अमाउंट टू मर्डर आ गया सेक्शन 304(1) और सेक्शन 304(2) जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था, जो कि दोनों रिलेट करते हैं सेक्शन 299 से। ठीक है, तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया, सेक्शन 300 से ये रिलेट करते हैं। मर्डर का बात कर ली, अब हमें 201 के बारे में पढ़ना है, डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस। ठीक है, तो जब डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस की बात करते हैं, सेक्शन 201 से 229A तक बात करते हैं ऑफेंसेस जो कि पब्लिक जस्टिस के अगेंस्ट हैं। पब्लिक जस्टिस के अगेंस्ट है, डिसअपीयर कर रहे हो आप अगर किसी भी सबूत को, आप क्या कर रहे हो, कॉजिंग डिसअपीयरेंस या फिर आप झूठी इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो आप पब्लिक जस्टिस को क्या कर रहे हो, डिफीट कर रहे हो। ठीक है, ये दो कैटेगरीज में बांटे गए हैं। एग्जाम्पल, अगर दो फ्रेंड्स हैं ए और बी, अगर ए ने मर्डर किया एक्स का और हाइड कर दी बॉडी ऑफ एक्स, एंड उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बी भी उसको हेल्प कर रहा है, तो यहाँ पे सेक्शन 201 लगेगा बिकॉज दे आर डिसअपीयरिंग द एविडेंस। तो हमारे केस इन हैंड में अगर हम मान के चले फॉर अ मिनट, फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, की हस्बैंड ने, क्योंकि उसके इलिसिट रिलेशनशिप्स थे उसकी वाइफ के साथ, हस्बैंड ने आके गुस्से में मर्डर कर दिया बी का। अब है तो वो पतिव्रता पत्नी, उसने अपने पति को बचाने के लिए उसकी डेड बॉडी को छुपाने में हेल्प करी, तो सेक्शन 201 कॉजिंग डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस लग गया क्योंकि वो अपने पति को बचाना चाहती थी। तो सेक्शन 201 के दो एस्पेक्ट्स हैं, क्या, जहाँ पे आप एविडेंस को छुपा रहे हो या फिर आप फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहे हो। सेक्शन 201 बात क्या करता है, कॉजिंग डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस ऑफ ऑफेंस और गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन। दो बातें मैंने बोली, या तो आप एविडेंस को छुपा रहे हो या फिर आप झूठी इंफॉर्मेशन दे रहे हो, और आपका इंटेंशन क्या है कि आप जिस बंदे ने क्राइम किया है आप उसको भगाना चाहते हो। तो सेक्शन क्या कहता है, उसको एक बार पढ़ लो। सेक्शन कहता है कि कोई भी अगर नोइंगली या फिर उसको रीजन टू बिलीव है कि एविडेंस को वो छुपा रहा है क्योंकि वो बंदे को बचाना चाहता है या फिर वो झूठी इंफॉर्मेशन देता है, तो वो सेक्शन 201 के अंदर गिल्टी ठहराया जाएगा। अगर किसी कैपिटल ऑफेंस जैसे कि मर्डर वगैरह वाले ऑफेंसेस को आप छुपा रहे हो तो 7 साल तक की सजा प्लस फाइन। अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर 10 ईयर्स की सजा होती है तो आपको लगेगी 3 साल की सजा या फिर फाइन। और अगर कोई पनिशेबल है ऑफेंस विच इज लेस देन 10 ईयर्स तो 1/4 ऑफ द मैक्सिमम पनिशमेंट आपको भी झेलनी पड़ेगी और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। सेक्शन 201 के हमारे एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या हैं कि सबसे पहले ऑफेंस होना चाहिए, दूसरा आपने मदद करी है कि आप उस एविडेंस को छुपा रहे हो, दूसरा आप इंफॉर्मेशन झूठी दे रहे हो, और आपकी इंटेंशन क्या है कि आप जिस भी बंदे ने क्राइम किया है आप उसको भगाना चाहते हो, उसको बचाना चाहते हो उस लीगल पनिशमेंट से। जो कमीशन ऑफ ऑफेंस है, ऑफेंस का होना अपने आप में एक साइन क्वा नॉन है, वो अपने आप में एक एसेंशियल कंडीशन है सेक्शन 201 के अंदर गिल्टी होने के लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस वो भी डिस्कस कर लेते हैं 201 से रिलेटेड, पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में क्या हुआ, वाइफ ने मर्डर किया ऑफ द हस्बैंड विद हर बॉयफ्रेंड ड्यू टू हर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विद हर। तो वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है किसी लड़के के साथ और उसके साथ मिलके उसने अपने पति का मर्डर कर दिया। So the wife and boyfriend have put the husband's body in trolley and उन्होंने इसको well के अंदर डाल दी। एक महीने के बाद वो बॉडी रिकवर हुई, पोस्टमार्टम के थ्रू पता चला वो पोटेशियम साइनाइड मिला था और कुछ और नहीं मिला। इन दोनों के ऊपर चार्ज लगा 302 और 201 का, बट कोई एविडेंस नहीं था ये प्रूव करने के लिए कि मर्डर बीवी के द्वारा किया गया है और उसके बॉयफ्रेंड ने उसको हेल्प करी थी। आउटकम क्या हुआ कि प्रिंसिपल ऑफेंस अंडर सेक्शन 302 को वो एस्टैब्लिश नहीं कर पाए प्रोसिक्यूशन, बिकॉज ऑफ विच सेक्शन 201 भी एस्टैब्लिश नहीं कर पाए, क्योंकि जब तक आप मर्डर एस्टैब्लिश नहीं कर पाओगे आप डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस कैसे एस्टैब्लिश करोगे। तो ऑफेंस कमिट होना अपने आप में क्या हो जाएगा, साइन क्वा नॉन हो जाएगा। ओके, पलविंदर कौर बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इवन इट कैन हेल्प यू इन योर प्रेजेंट केस इन हैंड। कोटालीपुरम चंद्रराव वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉल्स इंफॉर्मेशन के ऊपर बात करता है। आंध्र प्रदेश में एक रिवर है, इन अ विलेज इन विच फ्लोटिंग डेड बॉडी ऑफ अ वुमन वाज फाउंड एंड 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम द रिवर देयर वाज अ लेक इन विच अनदर बॉडी वाज फाउंड। तो एक रिवर के अंदर एक डेड बॉडी मिली और 2 किलोमीटर दूर एक और डेड बॉडी मिली। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो कि ड्यूटी पे थे उन्होंने एक स्टोरी बनाई कि 2 प्रोस्टिट्यूट्स थी जो विलेज के अंदर आई और उनको रेप कर दिया गया, ड्यू टू व्हिच उन्होंने सुसाइड कमिट कर दिया। विदाउट पोस्टमार्टम ही मेड द रिपोर्ट ऑफ द केस एंड मेड क्रिमिनेशन ऑफ बोथ ऑफ द बॉडीज। व्हेन ही हैज टू रिपोर्ट टू द हायर अथॉरिटीज, उन्होंने फॉल्स इंफॉर्मेशन दी और मैटर को ट्रांसफर कर दिया गया, रेफर कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। वहां पे क्या बोला गया कि कोई भी डेफिनेट एविडेंस नहीं आया इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज के द्वारा और क्या बोला गया कि फॉल्स इंफॉर्मेशन दी गई है और प्राइमा फेसाई ये एक ऐसा केस है जहां पे आपको पुलिस ऑफिसर को गिल्टी ठहराना चाहिए सेक्शन 201 के अंदर, क्योंकि उन्होंने फॉल्स एविडेंस दिया और उन्होंने क्या किया, डिसअपियरिंग द एविडेंस किया, क्योंकि उन्होंने उन डेड बॉडीज को क्रिमेट कर दिया विदाउट प्रॉपर पोस्टमार्टम। अब जब आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, सेक्शन 302 समझ लिया, सेक्शन मर्डर कल्पेबल होमिसाइड के डिफरेंसेस समझ लिए, आपने 201 समझ लिया, तो अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन इन हैंड के ऊपर। हमारे क्वेश्चन इन हैंड को एक बार अगर हम रिवाइज कर लें तो हमारा क्वेश्चन इन हैंड था स्टूडेंट्स कि, एक सेकेंड मैं उस स्लाइड पे जाती हूँ एंड एक बार आपके साथ क्वेश्चन रिवाइज कर लेती हूँ सो दैट आप लोग एकदम क्लियर रहें कि हम आंसर क्या करते हैं। बी एक नेबर थे ए के, ही हैड बी और सी का इलिसिट रिलेशनशिप्स थे काफी सालों के लिए। 31 मार्च 1993 को बी जब सोने गए शाम को, उसके बाद से वो नहीं दिखे। 4 अप्रैल 1993 को बी के भाई ने एक पुलिस कंप्लेंट करी जहां पे उन्होंने बोला कि मुझे शक है कि ए और सी ने मेरे भाई के साथ कुछ किया है। जब इन्वेस्टिगेशन हुई डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के द्वारा पुलिस पार्टी को जो ए है उन्होंने एक डिस्क्लोजर स्टेटमेंट दी जहां पे उन्होंने अपने घर में ही सिटिंग रूम में बताया कि 5 फीट नीचे मैंने डेड बॉडी छुपाई हुई है किसकी, बी की। वो डेड बॉडी को रिकवर करा गया। उसके बाद उन्होंने पुलिस को एक वुड कटर भी दिया और नाइफ भी दिया एक बैग से जो कि एडजेसेंट रूम के अंदर थे। नाइफ के ऊपर कोई ब्लड स्टेन नहीं थे बट वुड कटर के ऊपर ब्लड स्टेन थे और जब सेरोलॉजिस्ट ने उसको एग्जामिन किया तो ये पता चला कि जो बी का ब्लड ग्रुप है वही सेम ब्लड ग्रुप ये था। केस बना, प्रोसिक्यूशन ने ए एंड सी हस्बैंड एंड वाइफ को ट्राई किया ऑफ ऑफेंसेस ऑफ डिसअपियरिंग ऑफ एविडेंस सेक्शन 201 के अंदर रेड विद सेक्शन 34 जहां पे हम कॉमन इंटेंशन की बात करते हैं। प्रोसिक्यूशन ने रिलाई करा कि जो डिसीज्ड है बी उसके इलिसिट रिलेशनशिप्स थे सी के साथ, तो मोटिव एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी। लास्ट सीन थ्योरी के बारे में बात करें तो उन्होंने बोला कि 31 मार्च यहाँ पे ये रॉन्ग टाइप हुआ है, 31 मार्च 1993 के बाद से वो नहीं दिखे हैं। इंटेरोगेशन के दौरान जब डिस्क्लोजर स्टेटमेंट मिली तो ए ने ही बताया कि डेड बॉडी कहाँ है और वुड कटर के बारे में भी उन्होंने ही बताया। हमें दिल्ली जुडिशरी का ये क्वेश्चन है 1996 का और हमें क्या करना है, हमें एक जजमेंट लिखनी है। हम लोगों ने पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिया, अब हम लोग जजमेंट लिखेंगे। सैंपल आंसर है, आप सबका लिखने का तरीका अलग हो सकता है, हर एक इंसान का लिखने का तरीका अलग हो सकता है। दिस इज जस्ट सैंपल आंसर और मॉडल आंसर सो एज टू हेल्प यू गाइस। वन थिंग मोर, ये मैंने आप लोग देखोगे कि मैम टाइपिंग वर्जन में कैसे आ गए, तो काफी सारे स्टूडेंट्स को मेरी हैंडराइटिंग समझने में मुश्किल होती है, तो मैं नहीं चाहती थी कि आप लोगों को प्रॉब्लम हो, तो मैंने इस आंसर को टाइप आउट कर दिया है आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरा एम यही है कि आप लोगों तक प्रॉपर सैंपल आंसर्स जाने चाहिए। मेरी हैंडराइटिंग के कारण किसी भी स्टूडेंट का नुकसान नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने टाइप आउट कर दी है ये क्वेश्चन का आंसर आपके लिए। तो हमारी जब जजमेंट हमें लिखनी है तो हमने क्या बोला, इट इज वेल सेटल्ड दैट व्हेन अ केस रेस्ट ऑन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस सच एविडेंस मस्ट सैटिस्फाई 3 टेस्ट। तो हम बात कर रहे हैं कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर केस बात करता है और इस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में 3 टेस्ट का होना जरूरी है। Circumstances from which an inference of guilt is sought to be drawn must be cognizantly and firmly established. तो जब आप inference of guilt की बात कर रहे हो, वो आपको establish करना जरूरी है। Those circumstances should be of definite tendency underlying pointing out towards the guilt of the accused। और तीसरा point है कि circumstances जब आप cumulatively form कर रहे हैं, वो chain of circumstances को form कर रहे हैं, जिससे कि कोई escape ना हो सके हमारे कंक्लूजन को लेके, विद इन ऑल द ह्यूमन प्रोबेबिलिटी ऑफ क्राइम व्हिच वाज कमिटेड बाय द अक्यूज्ड एंड नन एल्स, कीपिंग इन व्यू द सेटल्ड प्रोपोजिशन ऑफ लॉ लेट अंडर सेक्शन प्रोसीड टू डिस्कस द सर्कमस्टेंसेस रिलाइड अपॉन बाय द प्रोसिक्यूशन इन द केस इन हैंड। तो ये इन अ वे आप बोल सकते हो कि हमने इंट्रोडक्शन शुरू करा, थोड़ा सा बड़ा इंट्रोडक्शन है क्योंकि आपका जो केस इन हैंड है वो भी बड़ा पेक्यूलियर है, बहुत ही हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, छोटा भी कर सकते हैं, बट फॉर नाउ ये हमारा इंट्रोडक्शन है, ठीक है। मोटिव, सबसे पहले इन्होंने मोटिव को एस्टैब्लिश किया। प्रेजेंट केस को रजिस्टर किया गया 14 अप्रैल 1993 को ऑन द रिपोर्ट लॉज बाय ब्रदर ऑफ डिसीज्ड। तो बी के ब्रदर के बारे ब्रदर ने रिपोर्ट की, वो हमने बताया कि मोटिव इसकी स्टेटमेंट में ये क्या बोलता है कि ब्रदर ऑफ डिसीज ने एडमिट किया कि डिसीज का इलिसिट रिलेशनशिप थे विद सी वाइफ ऑफ ए। Therefore, it is well settled that proof of motive lends additional support to find guilt of accused. Statement of brother of deceased has not been challenged. तो इन्होंने मोटिव को establish किया। इन्होंने क्या बोला कि मोटिव था और जो भाई की स्टेटमेंट है उसके अंदर ये आ रहा है कि इनके illicit relationships थे, इसीलिए मोटिव था एंड ये चीज को किसी ने चैलेंज भी नहीं किया है, तो मोटिव तो एस्टैब्लिश हो गया। लास्ट सीन थ्योरी, ये अवेलेबल है स्टेटमेंट ऑफ ब्रदर से कि डिसीज को लास्ट टाइम आपने कब देखा था, 31 मार्च को देखा था, वो सोने गया था अपने घर। हाउस ऑफ डिसीज जॉइंस द हाउस ऑफ अक्यूज्ड, ये दोनों नेबर्स थे। दैट गोज टू शो दैट द प्रेजेंस ऑफ डिसीज एट हिज हाउस अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी टू द अक्यूज्ड पर्सन कि वो क्राइम कमिट कर सके। प्रोसिक्यूशन ने फुली एस्टैब्लिश कर दिया ये पीस ऑफ एविडेंस ऑन रिकॉर्ड कि लास्ट सीन थ्योरी, उन्होंने बोल दिया कि ये दोनों जो थे बी और ए और सी का जो घर था ये साथ साथ था, लास्टली वो अपने घर पे सोने गया था, हो सकता है कि इन लोगों ने क्राइम करा हो और उसने क्या कर दिया, मोटिव भी एस्टैब्लिश कर दिया। प्रोसिक्यूशन ने ये सब कुछ किया। रिकवरी ऑफ डेड बॉडी, प्रोसिक्यूशन कहता है कि अक्यूज ने अपनी डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में रिकवरी कराई है डेड बॉडी की 5 फीट डीप पिट से, जो कि उसी के घर के सिटिंग रूम के अंदर था। सब इंस्पेक्टर रामचंद्र जो थे उन्होंने भी डिपोज किया कि आफ्टर हिज अरेस्ट अक्यूज ने एक डिस्क्लोजर स्टेटमेंट बनाई 5 अप्रैल को, जिसके कारण जो बॉडी छुपी हुई थी उसको रिकवर करा गया उसी के सिटिंग रूम से। His disclosure statement leading to the recovery of dead body of the B and that too अपने ही सिटिंग रूम से further strengthen करता है प्रोसिक्यूशन का केस जो कि A के अगेंस्ट था। अब रिकवरी ऑफ वुड कटर, तो प्रोसिक्यूशन ये कहता है कि उन्होंने रामचंद्र को एंड श्याम सुंदर को प्रूव करने के लिए बुलाया कि रिकवरी ऑफ वुड कटर कहाँ से हुआ है, वो भी ए के पोजेशन से ही हुआ है। जब उन्होंने डिस्क्लोजर स्टेटमेंट करी तब पीडब्ल्यू श्याम सुंदर ने ये डिपोज किया कि ए ने अपने डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में ये भी बताया कि उन्होंने एक वुड कटर और एक नाइफ को एक बैग के अंदर छुपा के रखा हुआ है एडजेसेंट रूम के अंदर। तो वुड कटर की भी रिकवरी किसके थ्रू हुई है, वुड कटर की रिकवरी भी ए के कहने के ऊपर ही हुई है, उसकी डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के द्वारा ही हुई है। इन परसुएंस ऑफ डिस्क्लोजर स्टेटमेंट वो उस एडजेसेंट रूम में गए और उन्होंने वुड कटर और नाइफ को उठा लिया। फर्दर जब पीडब्ल्यूज ने इन आर्टिकल्स को सीज करा वाइड रिकवरी मेमो, उन्होंने इट इज द केस ऑफ प्रोसिक्यूशन की इस पार्सल को उन्होंने केमिकल एग्जामिनर सेरोलॉजिस्ट को भेजा, जिन्होंने एनालिसिस करा, जिन्होंने ओपिनियन दिया कि वुड कटर के ऊपर जो भी स्टेन्स थे वो ह्यूमन ब्लड ग्रुप के थे और वो वही ब्लड ग्रुप था जो हमारे डिसीज्ड बी का था। तो ये फर्दर एस्टैब्लिश कर रहा है कि इस वुड कटर से ही उसका खून हुआ है। मेडिकल एग्जामिनेशन ये शो करता है कि इंजरीज ऑन द पर्सन ऑफ बी could be caused with that wood cutter. Prosecution ने fully establish कर दिया कि wood cutter use किया गया था in commission of crime by A for killing of B. अब ये सब कुछ तो बात हो रही थी A के रिगार्ड में, अब सी के बारे में बात करते हैं। सी के रिगार्ड में एक भी पीस ऑफ एविडेंस को नहीं लेके आए गए दैट उन्होंने इंजरी कॉज करी है, नाइफ पे कोई ब्लड स्टेन्स नहीं है, मेडिकल एविडेंस हैज रूल्ड आउट द पॉसिबिलिटी कि नाइफ यूज हुआ है क्राइम में, कोई और एविडेंस शो नहीं किया गया कि सी ने अपने हस्बैंड को हेल्प करी है कंसील करने में डेड बॉडी या फिर वुड कटर को कंसील करने में। ये भी हो सकता है कि उन्होंने हेल्प करी हो, बट कोई भी एविडेंस प्रोसिक्यूशन सामने नहीं लेके आया है। मेयर सस्पिशन अपने आप में आप सी को गिल्टी नहीं ठहरा सकते, ठीक है, कि उनका भी इन्वॉल्वमेंट है इस क्राइम में। सिंपली बिकॉज वो इंटीमेट थी, उनकी इंटीमेसी थी डिसीज के साथ, आप उनको लाइबल नहीं ठहरा सकते। देयरफॉर उनको अक्विट करा जाता है फॉर द चार्जेस ऑफ ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 302 एंड 201 रेड विद सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी, क्योंकि उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ अबव डिस्कशन आई होल्ड ए गिल्टी ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 302 एंड 201 आईपीसी एंड कन्विक्ट हिम देयरअंडर। ये आ गया मेरा कंक्लूजन, जहां पे मैंने कंक्लूड कर दिया दैट आई होल्ड दिस पर्सन गिल्टी बिकॉज इन्होंने ऑफेंस किया है। प्रोसिक्यूशन ने क्या क्या शो कर दिया, प्रोसिक्यूशन ने एस्टैब्लिश कर दिया है मोटिव, लास्ट सीन थ्योरी। डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में उन्होंने क्या क्या कर दिया, डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में डेड बॉडी की रिकवरी और वुड कटर की रिकवरी, ये सब कुछ हो गया है, ये सब कुछ प्रूव कर दिया है हमारे प्रोसिक्यूशन ने। इसी के कारण हम ये बोल सकते हैं दैट आई होल्ड दिस पर्सन गिल्टी बिकॉज यू हैड टू राइट द जजमेंट। सो दिस इज वन टाइप ऑफ सैंपल आंसर, जो आप ऐसे अपने आंसर लिख सकते हैं, जहाँ पे प्रोसिक्यूशन की पूरी स्टोरी दी गई है, प्रोसिक्यूशन ने पूरा इवेल्युएट किया है, आपको उसी को लेते हुए चलना है और प्रोसिक्यूशन के हर एक पॉइंट को एस्टैब्लिश करते हुए, इवेल्युएट करते हुए, लॉ को यूज करते हुए आपको अपना आंसर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 3 हम बात करेंगे क्रिमिनल इंटिमिडेशन। Discuss the law relating to criminal intimidation by referring relevant case law. In what way extortion is different from criminal intimidation? ये question राजस्थान हायर जुडिशियल मेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया है। शॉर्ट नोट ऑन क्रिमिनल इंटिमिडेशन असम जुडिशियल सर्विस के एग्जाम में पूछा गया है। शॉर्ट नोट ऑन क्रिमिनल इंटिमिडेशन असम में दोबारा पूछा गया। तो आप देखें क्रिमिनल इंटिमिडेशन का जो ये क्वेश्चन है, ये कितनी बार पूछा गया है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब हम लोग इसका एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं। चैप्टर 22 आईपीसी का क्रिमिनल इंटिमिडेशन की बात करता है, सेक्शन 503 बात करता है कि कोई भी बंदा अगर थ्रेटन करता है कि मैं इंजरी कॉज करूंगा तुझे, तेरी रेपुटेशन को या तेरी प्रॉपर्टी को या फिर तेरे किसी इंटरेस्टेड पर्सन की, जिसके अंदर एक डेड पर्सन भी इंक्लूडेड है, ये आपका एक्ट सीरियस हो गया। मेंस लिया हो गया कि आपकी इंटेंशन है, आप सामने वाले को घबराना चाहते हो, आप उससे कोई ऐसा एक्ट कराना चाहते हो जो वो लीगली बाउंड नहीं है करने के लिए, या फिर उसको कोई ऐसा काम करने से रोकना चाहते हो जो वो लीगली बाउंड है, तो आप क्रिमिनल इंटिमिडेशन कर रहे हो। धमकी देना, डराना, धमकाना इस क्रिमिनल इंटिमिडेशन। पनिशमेंट 506 में दी गई है, अगर आप इंटेंशनली किसी को इंसल्ट कर रहे हो, प्रोवोक कर रहे हो, ब्रीच ऑफ पीस, तो सेक्शन 504 में उसके बारे में बात करी गई है। क्रिमिनल इंटिमिडेशन चैप्टर 22 में आता है। बेसिकली 503, 506, 507 ये सारे सेक्शंस इन्वॉल्व हैं। अब बैरा की एक बार लैंग्वेज को पढ़ लेते हैं। तो कोई भी बंदा अगर थ्रेटन करता है किसी को कि वो कोई इंजरी कॉज करेगा उस बंदे को, उसकी रेपुटेशन को या फिर प्रॉपर्टी को, ठीक है, या फिर उसके किसी इंटरेस्टेड पर्सन को, और उसकी इंटेंशन क्या है कि वो अलार्म कॉज करना चाह रहा है, उसको डराना धमकाना चाह रहा है, या फिर कोई ऐसा काम कराना चाह रहा है जो लीगली बाउंड नहीं है, या फिर उसको कोई ऐसा काम करने के लिए रोकना चाह रहा है जो वो लीगली बाउंड है, तो वो क्या कर रहा है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन कर रहा है। क्रिमिनल इंटिमिडेशन की एक्सप्लेनेशन ये कहती है कि अगर आप किसी मरे हुए आदमी की भी रेपुटेशन को हार्म करने की बात करते हो, वो भी क्रिमिनल इंटिमिडेशन हो सकता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, इलस्ट्रेशंस ले लेते हैं। A for the purpose of inducing B to desist from prosecuting a civil suit, threaten करता है कि मैं तेरा घर जला दूंगा, अगर तूने मेरे खिलाफ केस करा ना तो मैं तेरा घर जला दूंगा, दिस इज क्रिमिनल इंटिमिडेशन। इंग्रेडिएंट्स क्या आ गए, आप किसी को थ्रेटन कर रहे हो, धमकी दे रहे हो कि इंजरी कॉज करोगे उसको, उसकी रेपुटेशन को या फिर प्रॉपर्टी को, या फिर उसके किसी इंटरेस्टेड पर्सन को, तो आप क्रिमिनल इंटिमिडेशन कर रहे हो। आपकी इंटेंशन होनी चाहिए उसको घबराने की या फिर उससे कोई ऐसा काम कराने की जो वो लीगली बाउंड नहीं है करने का, या फिर उसको कोई ऐसा काम करने से रोकने की जो कि वो लीगली बाउंड है करने का। प्रिंसिपल क्या है कि आप बेसिकली एंजाइटी पैदा कर रहे हो, एंग्विश पैदा कर रहे हो, डरा रहे हो, नर्वसनेस कर रहे हो, जिससे कि वो कोई ऐसा काम करे जो उसको नहीं करना था। तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन में बेसिकली आप या तो उस बंदे के अगेंस्ट कर रहे हो या फिर उसके किसी इंटरेस्टेड पर्सन के अगेंस्ट कर रहे हो, तो भी हम क्रिमिनल इंटिमिडेशन मान के चलते हैं। केस लॉज की बात करते थे क्योंकि हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ था केस लॉ, तो हम पढ़ लेते हैं केस लॉ क्या क्या है। मंगेश जीवाजी का जो केस है, threatening a person injury, जहाँ पे threatening का मतलब है saying that if one does not do what the person threatens, that person will cause harm। यहाँ पे communication of that threat को अपने आप में आप criminal intimidation मानेंगे। For example, अगर X बोलता है the thief that if thief does not give him back the stolen property of him, then he will complain about the theft. Then this is not a threat under this section because it will not cause any harm illegally because theft अपने आप में एक illegal act है। तो आपको ये भी देखना है कि किस चीज की धमकी हो रही है। अगर किसी इलीगल चीज की धमकी हो रही है तो वो अपने आप में क्रिमिनल इंटिमिडेशन नहीं माना जाएगा। इंजरी कॉज करोगे पर्सन को, रेपुटेशन को या फिर प्रॉपर्टी को, तो इस चीज का ध्यान देना है। पर्सन इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, उसका कैरेक्टर भी हो सकता है, उसका बॉडीली फॉर्म भी हो सकता है। रेपुटेशन क्या होता है? ऑनर, क्रेडिट, कैरेक्टर या फिर उसकी जो रेपुटेशन है मार्केट में। प्रॉपर्टी उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। आप किसी इंटरेस्टेड पर्सन को कर रहे हो, उसकी किसी फैमिली मेंबर को, उसके किसी जान पहचान वाले को कर रहे हो, तो वो भी अपने आप में क्रिमिनल इंटिमिडेशन माना जाएगा। नोटेबली प्रॉपर्टी इज मिसिंग हियर मे बी ऑन अ पब्लिक पॉलिसी। फॉर एग्जांपल, अगर एक्स थ्रेटन करता है दैट वाई इफ ए डज नॉट विथड्रॉ द केस देन ही विल किल वाई हु हैपेंस टू बी द सन ऑफ ए, या फिर वो थ्रेटन करता है प्लीडर ऑफ वाई दैट ही विल कॉज बॉडीली इंजरी टू द प्लीडर, अगर वो अपना केस वापस नहीं लेता, अपनी कंप्लेंट वापस नहीं लेता। थ्रेट किस इंटेंशन से होना चाहिए? कि आप सामने वाले को चौकन्ना कर रहे हो, फियर कॉज कर रहे हो, अनप्लेजेंट चीजें हो जाएंगी अगर आपने नहीं किया, तो आपका जो थ्रेट होना चाहिए वो इस इंटेंशन से होना जरूरी है। बट वेदर द पर्सन एक्चुअली गॉट फ्राइटन्ड और नॉट इज नॉट इम्पोर्टेंट। सामने वाला बंदा घबराया या नहीं घबराया कोई जरूरी नहीं है, आपका इंटेंशन क्या था वो जरूरी है। थ्रेट कि आप कोई ऐसा काम करोगे जो वो लीगली बाउंड नहीं है करने के लिए, जैसे कि व्हेन देयर इज अ हॉस्टाइलिटी बिटवीन ए एंड बी, A threatens a police officer that if he does not register a criminal case against B, then he will kill the son of police officer. वो legally bound नहीं था कुछ करने के लिए, फिर भी आप उसको डरा धमका रहे हो। Police officer legally bound नहीं था आपका false case register करने के लिए, but आप उसको criminally intimidate कर रहे हो, उसको डरा धमका रहे हो। Threat with the intention to cause that person to omit to do any act which he is legally entitled to do. तो कोई ऐसा काम जो वो legally entitled था करने के लिए, ठीक है, आप उसको करने से रोकते हो। जैसे कि इफ एक्स अ क्रिमिनल फेसिंग चार्ज द मर्डर ऑफ मर्डर, अगर वो मजिस्ट्रेट को, जज साहब को ही धमका देता है कि अगर मेरे अगेंस्ट आपने जजमेंट पास कर दी ना तो मैं आपकी फैमिली के साथ ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो ये अपने आप में क्रिमिनल इंटिमिडेशन माना जाएगा। ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, अब हमें क्या पढ़ना है कि हमारा आंसर क्या कहता है। हमारा आंसर हम लोग अगेन टाइप फॉर्म में मैं इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि आप लोगों को समझ आना चाहिए, क्लियरली विजिबल होना चाहिए। तो आपको इंट्रोडक्शन लिखनी है। क्रिमिनल इंटिमिडेशन सेक्शन 503 में डिफाइंड है। 503 कॉन्टेम्पलेट्स थ्रेटनिंग अनदर विद एनी इंजरी टू हिज पर्सन, रेपुटेशन या फिर प्रॉपर्टी और टू द पर्सन, रेपुटेशन ऑफ एनी ऑफ द पर्सन इन हुम इज इंटरेस्टेड विद द इंटेंशन कि आप अलार्म कॉज करो या फिर कोई ऐसा काम कराओ विच इज नॉट लीगली बाउंड टू डू और एनी एक्ट विच इज लीगली बाउंड टू डू। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन, ये हो गई आपका बेसिकली कि सेक्शन 503 कहता क्या है। इंटिमिडेशन इन्वॉल्व करता है थ्रेट विद द इंटेंशन कि वो फियर क्रिएट कर सके। Offense involving intimidation can be proved by proving the intention of the accused, and it is not necessary for the prosecution to prove that the result was actually attained. तो basically आपको intention of the accused prove करनी है, उसका result क्या हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 503 is as under। अब 503 में हमने बैराक की लैंग्वेज लिख दी बॉडी के अंदर, ठीक है, आपने एग्जैक्ट बॉडी की लिख दी। अगर आपको याद है वेल एंड गुड, अगर आपको याद नहीं है तो मोर और लेस सेम चीज को लिख दो, इसेंशियल वर्ड्स को लिख दो। कीवर्ड्स को लिखना बहुत जरूरी है। जैसे कीवर्ड्स क्या हो गए? इंजरी, पर्सन, रेपुटेशन या प्रॉपर्टी को या फिर उसके इंटरेस्टेड पर्सन को, और इंटेंशन क्या है? टू हार्म दैट पर्सन या फिर उससे कोई ऐसा काम कराना विच इज नॉट लीगली बाउंड टू डू, या फिर उसको रोकना कोई ऐसा काम करने के लिए विच इज लीगली एंटाइटल्ड टू डू, ये अपने आप में क्रिमिनल इंटिमिडेशन होगा। इफ यू कैन राइट द बैरक लैंग्वेज वेल एंड गुड, इफ यू कैन नॉट राइट, सी इट इज नॉट पॉसिबल कि आपको पूरी की पूरी बैरक रटी होगी, वो भी सारे सब्जेक्ट्स की, कोई बात नहीं, अगर बैरक की लैंग्वेज नहीं याद कोई बात नहीं, वर्ड जरूर याद रखने जरूरी है। एक्सप्लेनेशन कहती है कि अ थ्रेट टू इंजर द रेपुटेशन ऑफ अ डिजीज्ड पर्सन अपने आप में भी इज वेल विद इन दिस सेक्शन। इलस्ट्रेशंस लिख दी हमने जो हमने अभी पढ़ी थी, ठीक है, ये हमारी सब कुछ बॉडी के अंदर आ गया। A reading of definition of criminal intimidation indicate करता है कि जो act of threatening to another person या फिर injury cause करना उस बंदे को, उसकी property को या उसकी reputation को या फिर किसी interested person को must be with the intention कि आप सामने वाले को alarm cause करना चाह रहे हो। पनिशमेंट बताओ क्रिमिनल इंटिमिडेशन की क्या है, सेक्शन 506 के अंदर लिखी हुई है। एक केस लॉ बताओ, उड़ीसा हाईकोर्ट ने राम जी बीसी वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा 2017 में क्या बोला कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन रिक्वायर करता है कि इंटेंशन होनी चाहिए सामने वाले को अलार्म कॉज करने की कि वो इंजरी कॉज कर देगा। इंटेंशन इटसेल्फ माइट बी कंप्लीट दो इट मे नॉट बी इफेक्टिव। तो हमने एक केस लॉ भी लिख दिया, हमने सेक्शन पनिशमेंट का भी बता दिया। ओके, but existence of intent seems essential to the offense as also equally to the attempt of this। अब हमने essential elements बता दिए कि सबसे पहले आपको injury cause करनी है उस person को, उसकी reputation को या उसकी property को या फिर उसके interested person को, तो हमने essential elements लिख दिए अपने आंसर के अंदर। थ्रेट होना चाहिए विद द इंटेंशन कि आप अलार्म कॉज करो, उससे कोई ऐसा काम कराओ जो वो लीगली बाउंड नहीं है, या फिर उसको रोको कोई ऐसा काम करने के लिए जो वो लीगली बाउंड था। Gist of the offense is the effect which the threat is intended to have upon the mind of the person threatened। तो जो criminal intimidation है उसका हमारे दिमाग पे क्या असर होता है वो क्वेश्चन होता है। तो gist क्या है इस offense का कि आपके mentally आप pressure create कर रहे हो। Criminal intimidation before an offense of criminal intimidation can be made out, आपको establish करना है कि accused की intention थी कि वो सामने वाले के दिमाग में अलार्म कॉज करना चाह रहा है। अपने आप में थ्रेट देना क्रिमिनल इंटिमिडेशन नहीं होगा जब तक आप सामने वाले के दिमाग में टेंशन ना डाल दो। कुछ केस लॉज और लिख दिए, गुंगा चंद्र सेन वर्सेस गौर चंद्र बांकिया, अगर पता है वेल एंड गुड, नहीं पता कोई बात नहीं, बट कोशिश करो दो केस लॉज तो जरूर लिख के आओ, 3-4 लिख सकते हो वेल एंड गुड। डिपेंड करता है टाइम कितना है, आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, कितनी वर्ड लिमिट है, आपके पास क्या टाइम है। जिस्ट ऑफ द ऑफेंस इज द इफेक्ट ऑफ द थ्रेट इज इंटेंडेड टू हैव अपॉन द माइंड ऑफ द पर्सन threatened। Doraswamy Iyer, threat must be one which can be put into execution by person threatening। Govind, a threat in order to indicable must be made with the intent to cause alarm। Mere vague allegations अपने आप में criminal intimidation नहीं होंगे। तो students आपको क्या ध्यान रखना है, आज हम लोगों ने 2 situation based questions करे और एक direct question करा। जब हमने types of questions discuss करे थे तो हमने ये सब discuss किया था। सिचुएशन बेस्ड में आपने जजमेंट लिखी 2, जजमेंट में आपने सारे के सारे फैक्ट्स को इवैल्यूएट किया, सेक्शंस को अप्लाई किया, केस लॉ प्रेसिडेंट्स को यूज किया और उसके बाद आपने अपना रेशियो दिया, आपने अपनी जजमेंट दी। आफ्टर जुडिशियल application of mind। डायरेक्ट क्वेश्चन में आपने क्या किया, डायरेक्ट आपने सेक्शन 503 समझाया, 506 समझाया, बैरक की लैंग्वेज लिख सकते हो वेल एंड गुड, नहीं लिख सकते कोई बात नहीं, केस लॉज डाल दिए, एसेंशियल एलिमेंट्स डाल दिए और कंक्लूजन कर दिया। तो ये तरीका है आपके आंसर्स लिखने का। आपको इन्हीं तरीके से सैंपल आंसर्स की हेल्प लेते हुए अपने मॉडल आंसर्स खुद से प्रिपेयर करने हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। लॉ वाला के माध्यम से मैं आकृति आपके सामने बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगी आने वाले मेरे नेक्स्ट लेक्चर में भी, जिससे कि आप लोगों की अच्छे से प्रैक्टिस होती रहे, सैंपल आंसर्स तैयार होते रहे और हम लोग कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज भी करते रहेंगे, क्योंकि रिविजन इज द की टू सक्सेस। हमें बार बार रिवाइज करना है जिससे कि क्या ना हो, हम लोग कॉन्सेप्ट्स को भूल ना जाए। तो जुड़े रहिए लॉ वाला के साथ फॉर गुड क्वालिटी कंटेंट एंड जल्द मिलें आने वाले मुझे मेरे नेक्स्ट लेक्चर में भी। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।